तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो, उसी कंटिन्यूएशन में मैं ये नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि ये सीरीज में अगर हम नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस लें तो क्या आ रहा है, 5-1 is 4, 9-5 is 4। दैट मीन्स ये सीरीज एक एपी फॉर्म कर रही है, राइट? तो हम कह सकते हैं कि इस एपी की जो nth टर्म है वो x है, जो कि हमें फाइंड करनी है, और इस एपी का सम जो है वो 1326 है, राइट? तो एपी की nth टर्म हम कैसे लिखते हैं? नाउ nth टर्म इज x, फर्स्ट टर्म इज 1, नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव टू फाइंड, और कॉमन डिफरेंस इज 5-1, दैट इज 4। तो हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 1 + 4n - 4, दैट इज x, यहां से हम लिख सकते हैं x + 3/4 इज इक्वल टू n। अब देखिए सम ऑफ एन एपी हम कैसे लिखते हैं, राइट? आपको सम गिवन है 1326 और n क्या है, x + 3/4 और ये वाला 2, ठीक है? और 2a मींस फर्स्ट टर्म प्लस n की वैल्यू रखिए x + 3/4 - 1 और डिफरेंस क्या है 4। सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1326 और दिस इज x + 3/8, दिस इज 2 प्लस, अब यहाँ एलसीएम लीजिए तो x + 3 - 4/4, ठीक है, इंटू 4। सो 4 से 4 कैंसिल, 2 + x + 3 - 4, राइट? नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 8, आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, स्क्वायर प्लस 4x + 3 इज इक्वल टू 10608, ठीक है? अब आप देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली फैक्टर्स लिख सकती हूँ। देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसमें चाहे कितना बड़ा कांस्टेंट हो, हम उसे विद इन 6 to 8 seconds फैक्टराइज कर सकते हैं, उसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्कस की है, तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वो एग्जाम्स में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। सो, इसको आप लिख सकते हैं x = अब यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई। आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि जो डिफरेंस था वो हमारा पॉजिटिव था, तो हर टर्म बढ़ रही है, तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, राइट? सो x की जो वैल्यू है फाइनल वो 101 है एंड इट्स सिंपल। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में कहा गया है बस आप उसको लिखते रहिए। 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म A17 एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, 10th सम से बड़ी है, कितनी बड़ी है, बाय 7, ठीक है? आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं A + 16D, सिमिलरली एंड दिस इज 7। सो ए ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, फिर भी ये और ये कैंसिल हो गया, दिस इज नथिंग बट 7D एंड कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड कर लिया एंड इट्स सिंपल। आपको ये एपी गिवन है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 - 11, दैट इज -3, और नेक्स्ट टर्म जो है वो छोटी होती जा रही है, ठीक है? तो आपसे पूछा गया है क्या इस एपी की कोई टर्म जो है वो -150 हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सिंपली क्या करना है, nth टर्म लिखिए, ठीक है, nth टर्म की जगह -150, फर्स्ट टर्म जो है 11, n - 1 और -3, सिंप्लीफाई कर लीजिए। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकते, वो परफेक्टली एक नेचुरल नंबर होगा। सो इसलिए -150 इस एपी की टर्म नहीं हो सकती, ठीक है? सो इस तरह के क्वेश्चंस में सिंपली आपको n चेक करना है कि वो नेचुरल नंबर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आपको इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए एपी क्या हो गई, 4 × 19 + 1 एंड दैट विल बी 2, 18 दैट विल बी 36 + 1, 37/2। सिमिलरली 17 × 4 + 3, अब आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए, तो नेक्स्ट टर्म दैट इज 77/4 - 20, एलसीएम लिया तो सेवन, ये नेगेटिव टर्म की बात हो रही है तो ए एन शुड बी लेस देन 0, और ए एन हम कैसे लिखते हैं, ए दैट विल बी 20 और नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव टू फाइंड, और डी क्या है, -3/4।
4 इज लेस देन 0. फर्दर सिंप्लीफाई किया 20 माइनस 3 बाय 4 एन और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3 बाय 4 इज लेस देन 0. फोर से फोर कैंसिल, अब माइनस अगर हम हटाएंगे तो लेस देन साइन ग्रेटर देन हो जाएगा. ठीक है, एन क्या होना चाहिए हमारा 28 होना चाहिए, तब हमें पहली नेगेटिव टर्म मिलेगी. ये ए क्या था 20 और एन क्या आया हमारे पास 28 माइनस 1 और डी क्या था माइनस 3 बाय 4. इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म थी माइनस 1 बाय 4 होगी. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सो इस वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मैं आगे और इसी चैप्टर पे क्वेश्चंस कंटिन्यू करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ.